ताज्जुब की बात है कि पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह को वो रिस्पांस नहीं मिला जो कि उनकी फिल्मों के ट्रेलर को मिलता है। जी हाँ, पवन सिंह की फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म को वो रिस्पांस नहीं मिला जिसके लिए पवन सिंह की फिल्में और पवन सिंह के गाने पवन सिंह की फिल्मों के ट्रेलर जाने जाते हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर से तकरीबन पवन सिंह के फैंस और पवन सिंह के चाहने वालों ने ये सोचा था कि इसे एक दिन में 4 मिलियन व्यूज तो मिल ही जाएंगे, यानी कि एक दिन में 40 लाख लोग तो इसे देख ही लेंगे। लेकिन हुआ उससे पूरी तरह से उल्टा। इस फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में महज 16 लाख लोगों ने यानी 1.6 मिलियन लोगों ने देखा है, जो कि बहुत ही ताज्जुब की बात है। ये अभी तक के पवन सिंह के जितने भी ट्रेलर इस साल रिलीज हुए सबसे कम व्यूज वाला ट्रेलर है। आपको बता दें कि इसके पीछे कई रीजन दिए जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये दिया जा रहा है कि पवन सिंह लगातार एक जैसी फिल्में कर रहे हैं जिसके वजह से सभी बोर हो चुके हैं। सब जानते हैं मारधाड़ होगी, अच्छे डायलॉग होंगे, कुछ अच्छे गाने होंगे बस, और फिल्में कुछ नहीं होगा। तो कुछ इसके पीछे रीजन ये दे रहे हैं कि पवन सिंह और आम्रपाली की जोड़ी लोगों को रास नहीं आई। लेकिन इसके पीछे तीसरा जो कारण दिया जा रहा है वो सबसे सटीक लगता है। तीसरा कारण ये दिया जा रहा है कि पवन सिंह की जितनी भी फिल्में आती हैं तकरीबन 5 से 6 दिन पहले उसका प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है कि फिल्म का ट्रेलर आ रहा है, फिल्म का गाना आ रहा है। लेकिन ये अवेयरनेस इस बार लोगों में नहीं फैलाई गई जिसकी वजह से इस फिल्म के ट्रेलर को घाटा हुआ है। अभी पवन सिंह की काफी ऐसी फैन फॉलोइंग है जिन्हें ये पता नहीं है कि शेर सिंह का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जैसे ही ये खबर अब धीरे धीरे लोगों में फैल रही है, शेर सिंह के ट्रेलर के व्यूज में धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन पवन सिंह के लिए और पवन सिंह के फैंस के लिए ये चिंता की बात है कि उनके ट्रेलर को एक दिन में महज 16 लाख व्यूज मिले हैं, जो अब तक के जितने भी पवन सिंह के ट्रेलर इस साल रिलीज हुए हैं उससे सबसे कम है। उम्मीद है कि पवन सिंह की अभी इस साल कई और फिल्में आनी हैं, उनके साथ ये गलतियां न हो। भोजपुरी जगत के हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल।